बाबा आपने डांटना है डांट लें, गालियां देनी है दे लें, मारना है मार भी लें। आपको गुस्सा है ना मुझ पर, तो निकाल लें अपना गुस्सा। अगर यार मुझसे बात करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रही? जो तुम चाहती थी वो हो रहा है, चपली के बेटे से शादी कर रही हो, और समझ तो मुझे नहीं आ रही कि कहां डूब के मर जाऊं मैं, कैसे सामना करूं सबका, समझ नहीं आ रही। अब क्यों मुश्किल है लोगों का सामना करना? आखिर बुराई क्या है उसमें? वो कोई चोर उचक्का है, बचपन से आपके सामने पला बढ़ा है, वो नेक है, शरीफ है, पढ़ाई में हमेशा मुझसे ज्यादा नंबर लेकर आता है वो, और अब तो उसके कारोबार का भी बंदोबस्त हो गया पापा। भाई चपली का बेटा है, हम सानी नहीं है, नेका है वो। जिस चीज में उसका अमल दखल ही नहीं, उस पर आप उसे कैसे जज कर सकते हैं बाबा? अपनी मर्जी से तो चपली के घर पैदा नहीं हुआ वो। क्या आप अपनी मर्जी से हमसानियों के घर पैदा हुए थे? शर्माती है तुम्हें? बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, अब आगे से बहस कर रही हो? अम्मी मैं बस, बस जो तुम चाहती थी वो हो रहा है ना, बस जाओ यहां से, जाओ 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 बस। नहीं बाबा नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी। सच है कि मैं यासिर से शादी करना चाहती हूँ, मगर ऐसे नहीं बाबा। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होंगे, तो ये शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आपने कहा ना अभी कि वो जबरदस्ती आपसे आपकी बेटी का रिश्ता ले रहे हैं। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि जो मेरे होते हुए आपके साथ जबरदस्ती करे। आ लेने दे उन्हें, सबके सामने इनकार करूंगी मैं, और फिर यहीं रहूंगी आपके पास। मैं रखूंगी आपकी इज्जत का मान, हां मगर खुश नहीं रहूंगी मैं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा बाबा, कि फिर आप खुश रहेंगे। मैं अपने जिस बाबा को जानती हूँ, वो मेरी खुशी में खुश होते थे हमेशा। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। आपको याद है बाबा, जब मैं छोटी थी, एक बार अपने स्कूल की किताब में आम की तस्वीर देख ली थी, और बस ये धोखी थी कि मुझे आम खाने, जब तक आम नहीं आ जाएगा ना सोऊंगी ना ही कुछ और खाऊंगी। सबने कितना समझाया, कितना डांटा कि निदा पागल हो गई, अगर आपने किसी एक की भी ना सुनी। सख्त सर्दियों की रातों में जनवरी में अपना स्कूटर निकाला और चले गए मेरे भी आम लेने, और फिर लेकर वापस भी आए, और उस आम की सिर्फ दो बाइट लेकर उसे फेंक दिया। तब क्यों नहीं आपने डांट कर सुला दिया था मुझे? क्यों नहीं समझाया? अपनी बेटी की खुशी के लिए ना, अब वो भी सिर्फ दो मिनट की खुशी के लिए। जहां मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, वहां कहां है मेरे बाबा? आप परेशान मत हो, आपकी इज्जत का मान मैं रखूंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। रमजान अहमद रमजानी साहब। आप यूपीएस वाले हैं? आप शरबत वाले हैं? क्या हुआ? अम्मी आइंदा मैं चाय शरबत बना बना के सबको नहीं पिलाऊंगी, पूरी दुनिया मुझे चाय शरबत वाली कहने लगी है। ये कंप्यूटर भी दिखवाना था।
कंप्यूटर ले जाने की क्या जरूरत है, कंप्यूटर आपको वापस नहीं करना था। चाय शरबत पीने के लिए तो फटाफट बैठ गए थे। तो चाय शरबत कौन सा अच्छी पिला दिया आपने? कंप्यूटर बेचे कोई स्मार्टफोन तो मिल जाएगा ना। क्या करना है स्मार्टफोन का? क्या करना है आपको जान के बताएं, मिलेगा कि नहीं? फोन मिल सकता स्मार्ट नहीं। सुहेल, पूरा खानदान कंप्यूटर मांगेगा मुझसे। देखिए पीछे चुड़ैलों की तरह बैठी है मेरे, हर दिन मेरे सामने आ जाती है। और मेरे लिए रह जाता है ये यूपीएस वाला, इसको ना तो कोई काम ढंग से करना आता है ना वक्त पर। शरबत पिलाया तुमने? मैं शरबत नहीं पीऊंगा खाला। ठीक है चाय पी ले। कंप्यूटर ठीक हो गया मेरा? हो रहा है आपका कंप्यूटर ठीक? हो रहा है। तो आज कंप्यूटर लेकर जाऊंगी। देखिए नया ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से वीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।